हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो DFTM गुड न्यूज़ है। आपको आपके पार्टनर कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ कुछ बातें हुई थी उनके राज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके सामने कुछ क्लैरिटी के साथ राज खुलेंगे जो अब तक आपको पता भी नहीं था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर चुके थे या सेपरेशन मोड पे थे या नो कॉन्टैक्ट जोन में गए या ब्लॉक किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो अभी तक आपको हमेशा अभी तक आपको अच्छी न्यूज़ कभी नहीं मिली, लेकिन इस बार आपको गुड न्यूज़ आने वाली है। विक्ट्री मिलने वाली है, इस तरीके की विक्ट्री मिलेगी जो सेपरेशन और जो आपके बीच में चीज़ें जिन्होंने भी वर्कआउट किया उनको मुंह तोड़ जवाब आपके पार्टनर देने वाले हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने वाले हैं। छोड़ का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब उन थर्ड पार्टी से लेट गो होते हुए और आपकी तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि कर्मा एंडिंग टाइम एंड होने वाला है, हो चुका है कईयों का, ऐसा नहीं, लेकिन स्टेबल होना होता है कि एक लाइफ को आगे कैसे बढ़ना है। उसके बाद का जो सेपरेशन एंड होने के बाद का जो चरण स्टार्ट होता है ना, वो वाला काम। कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग पे जाने के चांसेस हैं, कहीं आपको ऑफर मिल सकता है बाहर मिलने का। ठीक है जी, लॉन्ग डिस्टेंस वालों आपके लिए भी एक ऑफर है कि आपके लिए भी आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं या कोई प्लान बनते हुए 1-2-3 महीने के अंदर आपसे मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हो तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी एनर्जी कलेक्टिव हो सकती है, इसमें बहुत सारी मिक्सिंग एनर्जी है, कुछ भी यहाँ पॉसिबल है क्योंकि सभी मिलने का प्लान बना रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी अगर उनको टाइम लगता है, वीज़ा अप्लाई किया हो तो उनको भी टाइम लगेगा, तो वो आ सकते हैं। ठीक है जी, और आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपको अभी तक अनब्लॉक नहीं किया तो ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, स्टॉकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोगों के पूरी जानकारी लेने के चक्कर में बैठे हैं आपके पार्टनर। ये मुझे पता लगे आप किस मूड पे हो या क्या सिचुएशन चल रही है आपकी, पूरी जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत किया उस टॉपिक के ऊपर आपके बाद बात करके आपसे उन चीज़ों को डिस्कस करके लेट गो करना चाहते हैं क्योंकि अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो भी मैं आपको बता रही थी कि यूनियन होने का टाइम आ चुका है, यूनियन होने वाले हैं, आने वाले हैं, तो बहुत मिरेकल। 88 पोर्टल ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जो कि आपके पार्टनर को चेंज करके एक न्यू डायरेक्शन में मोड़ देना, एक न्यू जंप लाइन टाइम आपने की है, यहाँ पे टाइमलाइन जंप की है, न्यू डायमेंशन। 999 में तो आपको पता ही है जो होना है वो होना है, मैरिज का पोर्टल है वो नेक्स्ट वाला, लेकिन उससे पहले जो एक बीच में जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव करके आगे बढ़ने की जो उन्होंने सोच लिया है। अब कन्वेंस कैसे करना है, अपने पेरेंट्स को समझाना है, बैलेंसिंग करना है 3D 5D में, दोनों में वो सब चल रहा है, कैसे क्या करना है, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचना है, आपसे क्लियरिटी देनी है और खुद लेनी भी है। इतने दिन टाइम कैसे निकाला, वो पैटर्न जानना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम है तो वो अपना पैटर्न डिस्कस करेंगे और आप भी करेंगे, आपने उनके बिना टाइम कैसे निकाला, क्योंकि ये सर एक लेसन होते हैं जो हमें आगे जाके आप समझ सकते हो। अगर आप मेंटर बनते हो या कोई भी बनते हो तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि कहीं से भी उठ के किसी की चैलेंज सुनी और हमने ऑब्जर्व कर लिया, नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको ऑब्जर्व करो क्या एनर्जी और क्या हमें चीज़ें सुनाई समझ आती हैं। ठीक है, तो DFDM ये तो करंट अपडेट है जो आपको मैंने दे दी, और थोड़ी सी मुझे आप लोगों से थोड़ी सी मेरे को नाराज़गी भी है। देखो DFDM आपको मैंने पर जब हम लाइव सेशन हमने लिया था तब भी हमने आपको अलर्ट कर दिया था कि यहाँ पे डेविल अटैक होंगे, जहाँ पे यूनियन होगा तो अटैक भी होंगे, मैनिपुलेट किया जाएगा। आपको जब भी मैनिपुलेट किया जाता है तो आप एकदम से अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। अंडरस्टैंड कीजिए, हर चीज़ का वक्त आता है, जर्नी चलेगी टाइम तक, जैसा जैसा टाइम आएगा वो अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन अगर आपने इनर वर्क करके रख लिया है वो आपको इनर वर्क रिजल्ट उसी टाइम देगा, लेकिन उस टाइम आपकी जो बीच में ब्लॉकेज होंगी वो रिमूव अपने आप होती हुई मिलेगी। आप हीलिंग का मतलब ही नहीं समझते हो, हीलिंग के ऊपर आप डाउट करने शुरू कर देते हो। हमने तो 4-5 महीने पहले हीलिंग कराई थी, मेरी जर्नी में ये सब क्या हो रहा है। हर टाइम का जब तक जर्नी के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा उसको आप नहीं मिटा सकते। हीलिंग अपना वर्क करेगी जब आपको टाइम आएगा, आपने इनर वर्क करके रख लेना है।
अब किस चीज़ का वेट करते हो? जब वेट करोगे तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, फिर कहाँ कहाँ भागोगे? अगर आपके पास टाइम है तो आप क्यों नहीं इस टाइम को अपना पूरा इनर वर्क करके रखें? एक हीलिंग नहीं है यहाँ, कितनी दुनिया भर की काम है वो सब निपटाएं, फ्री टाइम मिल रहा है, डिटैचमेंट में हो, काम करना शुरू करो। क्यों रो रहे हो यार? सब मिलेगा, अलाउ तो करो। आपके देखो, खुद को समझो इन चीज़ों को। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। आपने ये कहा था तो ये नहीं हुआ। अरे भैया, टाइम आएगा तो अपने आप होगा ना, आप वहाँ तक पहुँचो तो सही। आप कहीं पहुँचे नहीं और दूर से देख के कह दिए वहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। दूर से कैसे नज़र आएगा? आपका नज़रिया है वहाँ तक देखने का? आप खुद से सोचिए ना। आप पहले पास पहुँचिए, डेस्टिनी पे पहुँचिए। जब डेस्टिनी पे आपको रिजल्ट ना मिले तब हम दोषी हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप चीज़ आप यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, गलत बोल के, और अपना जो जर्नी है ना कर्मा के साथ डिले भी करते हैं, कर्मा बैगेज बन जाता है आपका। मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, चीज़ों को समझें, वेट करें हर चीज़। पेशेंस, डील, ये सब क्यों बोला जाता है? इसलिए कि वेट करो, सब होगा। तुमने अपना काम करना है, बस वो करके रख लो, रिजल्ट अपने आप देगा टाइम। ठीक है जी, तो फिलहाल की ये थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।